दोनों पैर से दिव्यांग होने के बाद भी अपने हिम्मत को नहीं हारी और हौसला इनका काफी ज्यादा बुलंद है। अब हंसबे करते थे की करबे, अब इसने बना दिल का हंसबे करते आदमी थे की करते। अच्छा, यानी कि आपको देखकर बहुत लोग हंसता भी है। हाँ, देखिए किस प्रकार से कल को भी चला लेती है और जितना भी जो ये सारा जो घास है इसे काट भी लेती है। दिक्कत बहुत हुई। क्या क्या दिक्कत होता है? दिक्कत हो मतलब ज्यादा दूर चली तो गोर दर्द केला कनकनेल घाव गोस होगी। दोस्तों कहते हैं ना, उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से होती है। अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं ये 40 साल की महिला है और ये दिव्यांग है। हालांकि दिव्यांग होने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और बहुत सारा ये काम कर लेती है। अभी हम बिहार के समस्तीपुर के खजूरी गांव में हैं जो कल्याणपुर थाना के अंतर्गत आता है और सामने आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान है। यहाँ पर मवेशी का चारा काटने वाला मशीन है। ये सारा जो तमाम चीजें है ये महिला जो है वो चला लेती है। अब सोचिए कि ये सर पे जो है 8 से 10 केजी का जो बोझ है वो भी रख लेती है और जितने भी जो घर का काम है इसके अलावा बाहर जाना है वो सारा काम को कर लेती है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों के पास दोनों पांव होता है लेकिन उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनसे सीखना चाहिए कि दोनों पांव नहीं होने के बाद भी ये किस प्रकार से सारे कामों को कर लेती है वो भी आसान तरीके से। क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। ललिता देवी, देवी हाँ। अच्छा ये बताइए कि ये कब से ऐसा है? बचपन से। बचपन से है? हाँ। अच्छा, तो बचपन से ही ऐसे ही है मतलब एकदम? हाँ, से ना ही थे। अच्छा ये बताइए कि आपका एज कितना है, कितने साल की आप है? 40 साल की है। हाँ। और 40 साल के हो जाने के बाद भी अच्छा से चल लेती है? तनी मनी चल ली, थोड़ा मोरा चल लेती। हाँ। है क्या क्या काम आप कर लेती है? बर्तन उर्तन से सवेल धो माज ले, धिया पुता धो देलक, उसा कह देलक आरो अपना सब। बर्तन उर्तन सारा सामान धो लेती है? हाँ। और क्या क्या काम कर लेती है? सब काम, बर्तन बासा धो ले ली, बाहर सोहार के भंसा भात बना ली। हाँ। धिया पुता। और सर पे कितना केजी रख लेते हैं? 10 किलो 15 किलो 10 केजी। अभी हम चाहेंगे कि इस बोझ को आप नीचे रख दीजिए। अब देखिए कि ये सर पे 10 से 15 केजी का जो बोझ है उसे भी रख लेती है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, 40 साल की है। हाँ। कितना मुश्किल होता है चलने में, कितना परेशानी होता दिक्कत है? बहुत दिक्कत होता। हाँ। है। अच्छा जब चलते होंगे रोड पर तो आसपास के लोग भी बहुत कुछ कहते होंगे आपके बारे में? अब हंसबे करते थे की करबे, अब इसने बना दिल का हंसबे करते आदमी थे की करते। अच्छा यानी कि आपको देखकर बहुत लोग हंसता भी है? हाँ। अच्छा कहते के माया दर एक रागल कहलक बाप रे गोर में ही गिर गेले घाव गोस हो जेते कल्ला। ऐसे ऐसे लोग कहते हैं। हाँ हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये भगवान का देन है और भगवान ही इनको ऐसे बनाए हैं। हालांकि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। जरा सोचिए कि ये 40 साल की है और इसके बाद भी इतने सारे कामों को कर लेती है। बोझ को नीचे रख दीजिए, आप भारी होगा, इसे नीचे रख दीजिए। हाँ। अच्छा ये बताइए कि चलने में कितना मुश्किल होता है? बहुत दिक्कत हो, बहुत दिक्कत होता है। हाँ। कभी कभी ऐसा होता होगा कि पैर और भी छिला जाता होगा? हाँ, छिला उला जाए, कांता खोसा घेर जाए, घाव ताव हो गेल। अच्छा दवाई तो तवाई इस घर में आप अकेले ही हैं कि और लोग भी हैं? घर में मतलब दो अपनो छिया, दो धिया पुता है, चार पांच आदमी छे। चार पांच आदमी है। हाँ। तो घर का रोजी रोटी कैसे चलता है? वह 400 रुपया में। 400 रुपया? हाँ। यानी कि महीना का ये विकलांग वाला कार्ड बना है आपका? हाँ सब कुछ बना है, दिव्यांग वाला कार्ड। हाँ। और उससे 400 महीने में आता। हाँ। है तो उससे घर परिवार चल जाता है, इतना महंगाई का टाइम है। 400 रुपया दिला का, वही में राशन पानी दिला, वही में बाल बच्चा के खिलाए। अच्छा, सरकार के द्वारा जो राशन पानी मिलता है और 400 रुपया महीना मिलता है इसी से घर परिवार चलता है। आपके पति क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं, क्यों नहीं करते हैं काम? काम धंधा नहीं लगे तो कहाँ जेते, बैठले रहे छते सब तो बुरबक। उनका उनका एज कितना है? उनका उनका 50-60 50-60 का एज है। अब सोचिए कि ये 40 साल की है फिर भी बहुत सारे कामों को कर लेती है। सामने आप घर का स्थिति देख सकते हैं कि ये साधारण सा घर है और इस घर में रहने को मजबूर है। सामने वाला घर किनका है? भैंसुर के। अच्छा आपका नहीं है? ना। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सामने वाला घर आपका का है। गुनपौनी से। सरकार के तरफ से आवास कुछ मिला है कि नहीं? ना, कुछ ना, नहीं हमरा नाम से नहीं मिला, ना भैंसुर के नाम से भेटल है। अच्छा अच्छा, 400 का जो महीना आपको मिलता है इसके अलावा कुछ और भी यहाँ के नेता मंत्री मुखिया जी आपको मदद करते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं करते हैं। अच्छा सोचिए कि यहाँ के जो नेता मंत्री हैं इनका कहना है कि वो लोग भी मदद के लिए सामने नहीं आते हैं। हालांकि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। और आप क्या क्या काम कर लेती है? काम धंधा मीटर में से ना हुए सब। ये चूल्हा वाला सब अपना से ही बनाती है? हाँ।
कभी कभी तो बहुत थक जाती होगी काम करते करते। काम करे थक गेली तो बैठ गेली। अच्छा अच्छा, सरकार से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? सब कुछ के सहारा, सहारा चाहिए। हाँ। अच्छा, बेटा वोटा है आपका? हाँ, दो गो बेटा है। और बेटी? नहीं नहीं है। नहीं। दो बेटा, वो कितने साल का है? एगो बेटा है 12 साल का, एगो बेटा है 6 साल के। उसे पढ़ाती है आप? हाँ। सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी है। अपन कमाए वाला अच्छी है, चाहे हम पढ़े के कमाए वाला है, कोई कमाने वाला नहीं है। नहीं। ये अपना से ही जो महीना आता है 400 महीना का, इसी से सब चीज घर परिवार चलता है। वही में परिवार चलाई लिया, वही में बाल बच्चा के खिलैली पिलैला, वही में ट्यूशन कोचिंग धराई लिया, ट्यूशन सब उसी में भेजती है। तो बहुत लोग सोचते होंगे कि ये दोनों पैर जो है, ये क्या प्रॉब्लम होता है इसमें? दिक्कत बहुत होई है। क्या क्या दिक्कत होता है? दिक्कत हो मतलब ज्यादा दूर चली तो गोर दर्द केला, कन कनैल, घाव गोस हो गेल। अच्छा, दवाई खैली ज्यादा दूर जाती है तो घाव वो भी पैर में हो जाता है। कन कनैल चली। अच्छा, अगर आपको कोई ट्राई साइकिल वगैरह सरकार की तरफ से बैटरी वाला मिल जाए तो आप चल के काम कर लेगी? हाँ। जैसा कि मैंने सुना है कि आप घर से 1-2 किलोमीटर बाहर भी जाती है और खेत में भी काम करती है? काम धंधा खेत में तनी लग पास में है तो अपना काम धंधा बहुत काम कैली, न तो अपने करे जाए छथिन। अच्छा, अब सोचिए कि ये जो है घर में ही काम नहीं बल्कि बाहर के भी बहुत सारा जो काम है ये कर लेती है। हालांकि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इनको ट्राई साइकिल वगैरह कुछ मिल जाता है तो इनको चलने में आसानी होगा, और कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से भी ऐसे लोगों को मदद करने की ज़रूरत है जिनको वाकई में मदद करना चाहिए। अच्छा, ये कल भी आप चला लेती हैं? आइए तो थोड़ा सा चला के आप दिखाइएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, ये घास उस काटने वाला जो कल होता है ये है, और इससे भी ये चला लेती है। सोचिए कि इतनी बड़ी जो काम है ये सारा काम खुद से कर लेती है। हालांकि हम ज़्यादा देर तक नहीं बोलेंगे, थोड़ा देर तक आप चला के बस बताइएगा, ताकि बहुत सारे लोग को यकीन नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो को देखकर वो लोग जरूर यकीन करेंगे कि महिला कितना कुछ काम कर लेती है। अब देखिए किस प्रकार से कल को भी चला लेती है और जितना भी जो ये सारा जो घास है इसे काट भी लेती है, और तमाम ये लोग जो भैंस उस रखे हैं उसे खिलाते भी हैं। सोचिए बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इधर आ जाइए थोड़ा सा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये दोनों पैर से दिव्यांग होने के बाद भी अपने हिम्मत को नहीं हारी, और हौसला इनका काफ़ी ज़्यादा बुलंद है, और सारे घर का जो तमाम काम है ना उन सारे कामों को कर लेती है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अगर मदद मिलता है तो ये लोग जो हैं बहुत बड़ी मिसाल है देश में, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिनके पास पैर है वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन दोनों पैर से दिव्यांग होने के बाद भी ये सारा काम को कर लेती है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप हमारे साथ बन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।